तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि वहाँ खड़ा होता है, और उसको कोई कहता है कि ले इंसान, और पीछे मुड़ता है, कहता है पिताजी पिताजी आप बोल रहे हैं, और उसको सुनाई देता है कि वो इंसान उसको कहता है कि माउंटा सेक्टर एक रेप्यूटेड सेक्टर है, और इसको जो प्रसिद्धि है इसके लिए लोगों ने अपना खून पसीना सब कुछ बहा रखा है, क्योंकि माउंटा सेक्टर एक बहुत ही कठिन टाइम से गुजर रहा है। तो तुम इसको ये मत सोचो कि ये इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ये दोबारा अपने पंख पूरी दुनिया में फैला के रहेगा, इसलिए तुम इसको बिल्कुल भी जज मत करो इसकी करंट सिचुएशन को देख के। और एक दिन हमारा सेक्टर भी उनके साथ एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। और उसके पिता उसको कहते हैं कि माउंटा सेक्टर को प्रोटेक्ट करो, और इतना कहते हैं जो सेक्टर लीडर होता है उसकी आंखें खुल जाती है, और जो वी होता है वो इधर उधर देखता है, कहता है क्या क्या वो बस एक सपना था। और उसके साइड में उसका एक डिसाइपल खड़ा होता है, मतलब वो अपने पिता की बातों को याद कर रहा था सपने में भाई साहब। और यहाँ पर जो चिंगम होता है उसको दिखाया जाता है, जो कहता है कि वाह ये वाइन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चुंगम साला है सराबी, जहाँ जाता है दारू पीने लग जाता है, और उसको कहता है कि सीनियर ब्रदर जल्दी मेरे को मीट दो, जल्दी मेरे को मीट दो। और उधर से जो गुल होता है उसको कहता है कि हाँ मैं क्यों दूँ, मैंने अभी तक इसको खाना भी शुरू नहीं किया है, और मेरे को बस थोड़ा सा ही मिला था, और तुम अपना पहले ही खा चुके हो, इसलिए मैं तुमको नहीं देने वाला। तो इसे चिंगम होता है उसको कहता है कि इधर आओ मेरे को दो जल्दी, मुझे खाना है। और उधर जोगुल कहता है कि तुम मेरे खाने में हाथ मत लगाओ नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, और ऐसा कह के वो अपना मीट बचा रहा होता है चिंगम से। तो वहाँ पे जो सेक्टलेट होता है वो आ जाता है, उनसे कहता है कि हे, और उनसे कहता है कि ये कोई ऐसा टाइम नहीं है कि तुम लोग खाओ पियो ऐश करो, तुम लोग कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, तुम इस सिचुएशन की गंभीरता को नहीं देख रहे हो। तो वहाँ जो सुहान होता है वो कहता है कि फादर आप आ गए। तो चुनबैक होता है उससे कहता है कि हमारे अभी की जो रवैया है उसके लिए कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। तो जो चुमंग होता है वो उनसे कहता है कि हाँ इन लोगों की गलती के लिए आप इन लोगों को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो उधर जो जोगुल होता है वो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है उसके ऊपर कि गलती हमारी नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी, ठीक है ना, तुम बदतमीजी करते हो हमेशा, और तुमको ये नहीं दिख रहा है कि जो सेक्टर लीडर है उनको इंटरनल इंजरीज हो रखी हैं। तो ये सब देख के जो वहाँ का सेक्टर लीडर होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और कहता है कि माउंटा सेक्टर काफ़ी रेपूटेबल है, पर इन लोगों ने किसको भेज दिया ये। और उनसे कहता है कि हुआ शेडो सेक्टर अब इस जगह को छोड़ने वाला है और हम लोग जा रहे हैं। और उसे कहता है कि हालांकि हम लोगों के लिए ये आसान नहीं होगा कि यहाँ पे जितनी भी हमारे अटैचमेंट्स है वो सब बंधी हुई है, पर हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। जो भी आज हुआ उसके लिए हमें शायद एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया है, और इसके लिए मुझे आप लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, पर अब यहाँ पर जो भी हुआ उन सबको भूल जाते हैं और हमको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम सब यहाँ पर ख़त्म करके चलिए, हमारा टाइम रहता हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो जो चुनबैक होता है उनसे कहता है कि सेक्टर लीडर मैं समझता हूँ कि आप हम पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस तरीके का काम नहीं कर पाए जिस तरीके का करना चाहिए था। तो जो सेक्टर लीडर होता है उससे कहता है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो अपोनेंट है वो वुडांग सेक्टर के लोग हैं, और जब हमने उनको अभी अपना दुश्मन बना ही लिया है तो अब कुछ भी हो जाए हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे, और फ्यूचर में भी इस तरीके के इंसिडेंट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे, और ये लोग ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोग ये नांगयान शहर है इसको छोड़ नहीं देते। तो चिंगमिंग होता उनसे कहता है कि तो तुम मेरे को एक बात बताओगे, मैं बहुत देर से जानना चाहता था कि वो लोग यहाँ पे क्यों आ रखे हैं और ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, और मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे इतना स्पेशल क्या है इस जगह में। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि यहाँ पे इतना अच्छा कुछ भी नहीं है, हालांकि अगर यहाँ पे इतना अच्छा कुछ होता तो तुमको लगता है कि ये जगह इतनी शांत होती। तो चिंग उनसे कहता है कि हाँ सच तो कह रहे हो आप, और मन ही मन सोचता है कि शायद जो सेक्टर लीडर वी है इनको इतने बारे में नहीं पता कि वो लोग इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं, और लगता है कि उनको बस थोड़ी सी कॉमन जनरल नॉलेज ही है इस बारे में। और कहता है कि जिन वुडांग वालों को मैं जानता था वो लोग तो अपने मरते टाइम भी अमिताभ का उच्चारण करते रहते थे, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये लोग इस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा पागल क्यों हुए जा रहे हैं, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अभी हमको कुछ पता नहीं है। तो जो सेक्टर लीडर होता है उनसे कहता है कि जो भी हो जाए आप लोग कल सुबह तक माउंटा सेक्टर वापस चले जाइए, यहाँ पे जो भी होगा उसके साथ मैं कल डील कर लूँगा। और चुमा कहता है कि क्या कहा तुमने, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो उधर जो सेक्टर लीडर होता है काफ़ी परेशान होता है, कहता है क्या कह रहे हो तुम लोग, मेरी बात नहीं मानोगे। तो उधर चुमा कहता है कि हमारे सेक्टर लीडर ने हमको ये ऑर्डर दिया है कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको रिजॉल्व करके ही वापस लौटना। तो जो सेक्टर लीडर होता है उनसे कहता है कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको तुम आराम से रिजॉल्व कर दो। तो चुमंग कहता है कि माउंटा सेक्टर वो चीज़ें कभी नहीं भूलेगा जो चीज़ें आप लोगों ने उनके लिए की हैं, और उनसे कहता है कि हम लोग हमारे जो आउटर सेक्टर है इसको कभी भी इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ेंगे, और पूरे जो दुनिया है उसको इस फैक्ट से रूबरू होना चाहिए। तो उधर जो सेक्टर लीडर होता है मनीमन सोचता है कि चुमंग जिसको माउंटा सेक्टर का डिवाइन ड्रैगन भी कहते हैं, शायद मैंने इसको जज करने में कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी कर दी,
तो च्युमिंग होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, कि आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे। तो जो सेक्टर लीडर होता है उसे कहता है कि हाँ प्लीज़ पूछो, मेरे बस का होगा तो मैं वो ज़रूर करूँगा। तो जो च्युमिंग होता है वो कहता है ठीक है फिर, और ऐसा कहने का च्युमिंग उससे कहता है कि मुझे बस एक बोतल वाइन और चाहिए, क्या मिलेगी आपके पास हो तो। तो च्युमिंग कहता है नहीं 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 आपने अभी कहा कि हाँ आप मेरे को बहुत सारा दे सकते हैं, तो आप एक काम करिए, अगर आपको देना है तो आप मेरे को 3 बोतल दे दीजिए। आपकी जो ये वाइन है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एकदम ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया मेरे को। उधर जो सेक्टर लीडर होता है उसको कहता है कि नहीं 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 मैंने अपने जजमेंट में कोई जल्दबाजी नहीं की थी, मैंने इसके बारे में जैसा सोचा था ये वैसा ही है। और उधर जो वुडांग सेक्टर के डिसाइपल होते हैं वो एक दूसरे से बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर आपको क्या लगता है कि ये जो माउंट हुआ सेक्टर के जितने डिसाइपल्स हैं ये लोग और जो शेडो हुआ सेक्टर के डिसाइपल हैं ये आज रात को ही भाग जाएंगे, जैसा कि पाथ अकेडमी के मास्टर ने बोला है। तो जो लड़का होता है उससे कहता है कि हाँ वो लोग भाग सकते हैं, पर माउंट हुआ सेक्टर के जो डिसाइपल्स हैं वो शायद नहीं भागेंगे। तो जो सेकंड क्लास का डिसाइपल होता है वुडांग सेक्टर का, वो कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग ऐसे नहीं भागेंगे। तो इधर जो लड़का होता है ह्यून, वो कहता है कि उन्होंने ऐसा नाम कमाया है कि जिनको उन्हें कमाना नहीं चाहिए था, मतलब जिसके वो लोग हकदार ही नहीं थे, फिर भी उस तरीके की उनको प्रसिद्धि मिली है। और कहता है कि वो लोग जिनको जो रेपुटेशन है उसको अपनी मेहनत से और ईमानदारी से मिलती है, वो लोग उससे ऑब्सेस हो जाते हैं, पर जिन लोगों को हद से ज़्यादा प्रसिद्धि और सम्मान मिल जाता है वो लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। और मुझे कोई भी शक नहीं है कि माउंट ऑफ सेक्टर का जो ये हाउ डिवाइन ड्रैगन है, ये जो भी है इसको अगर हमने थोड़ा ज़्यादा इस तरीके से बेइज्जती किया तो ये अपना जो निकनेम है इसको फेंक देगा, और उसके बाद अगर ये भाग के वहाँ गया तो वहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो उसके ऊपर हंसेंगे और उसका मजाक बन के रह जाएगा पूरे के पूरे जांगू में। और जिनके पास सम्मान होता है तो वो लोग उसके लिए लड़ते हैं, और कुछ भी हो जाए जिनके पास सम्मान होता है वो लोग उसको बचाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रेकलेस और मतलब बेशरम टाइप के लोग हैं। तो जो दूसरा होता है वो कहता है कि अगर इस तरीके की बात है तो फिर हमको बस उनको एक लेसन सिखाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। और वो कहता है कि हालांकि मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि उसको बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा फेम मिल चुका है, और उसके जितने भी एल्डर और एडल्ट्स थे उन लोगों को उसको थोड़ी सी मैनर तो सिखाना ही चाहिए था। उसका जो साथी होता है उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो ह्यून होता है वो कहता है जो भी है हम लोगों को अपना जो ट्रू ऑब्जेक्टिव है उसको नहीं भूलना चाहिए यहाँ पे आके। तो उसको कहता है कि तुमको याद है ना हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो दूसरा लड़का होता है कहता है कि हाँ सीनियर बिल्कुल याद है, मैं एक सेकंड के लिए भी इसको नहीं भूल सकता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो माउंट हुआ सेक्टर से है या शेडो हुआ सेक्टर से है, वो एक इंसान है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और मैं जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। और जब हम लोग इससे बाहर निकल जाएंगे तो हम लोग शाओलिन टेम्पल को भी सरपास कर देंगे और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ इतनी दूर यहाँ पे आए हैं और एक फेक सेक्टर बनाया है जिसका नाम पाथ अकेडमी रखा है हम लोगों ने, वो एक शॉर्ट ग्रेवयार्ड होने वाला है, और हर चीज़ अगर हमारे प्लान के मुताबिक होता रहा तो पूरी जो दुनिया है वो वुडांग सेक्टर के नीचे अपने घुटने टेक देगी। तो हमको दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो गया है और यहाँ पे च्युमिंग पूरा भंड हो के पड़ा हुआ है, और वो कहता है कि मेरे को लगता है मैंने रात को कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, मेरे को इतना नहीं पीना चाहिए था, मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, अंदर से अजीब सा लग रहा है। तो जो शायुंग होता है उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और उसको कहता है कि तुम बेवड़े कहीं के, तुमको अपने आप को रोकना नहीं आता, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तुम थोड़ा सा भी, हाँ तुमको समझ में नहीं आता, जिस मोमेंट तुमने वो बोतल को अपने मुंह से लगाया था ना मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तुम पूरा भंड होके पड़े रहोगे, तुम ऐसा ही करते हो हमेशा, जहाँ जाओ वहाँ पे शराबी की जैसे पड़े रहते हो गधा कहीं का। उसको बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है गुस्से के मारे, मतलब पूरी भड़ास निकाल रहा होता है। तो च्युमिंग से कहता है कि मैं इसमें क्या करूँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूद है यार, और वो पी रहा होता है दोबारा से। तो वहाँ पे जो शायुंग होता है फिर उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से तुम उसको इस तरीके की तुम्हारी हालत है और फिर से तुम वही पहनना शुरू कर दे रहे हो, समझ में नहीं आता तुमको, तुम गधे हो क्या, ये है वो है, चिल्लाने लग जाता है भाई साहब उसके ऊपर वो। तो च्युमिंग होता है उसे कहता है कि कम ऑन यार प्लीज चिल्लाओ मत, ये मेरे कानों में बज रहा है बहुत जोर से। तो जो जोगुल होता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पे इतनी सुबह तुम दोबारा कैसे पी सकते हो जब तुमको पता है कि अभी हम लोगों की इतनी बड़ी फाइट होने वाली है, वो भी इतनी सुबह सुबह।
तो जो चुमिम होता है वो अपना पुराना ट्रिक आजमाता है, अपना नाक बंद करके सारा का सारा अल्कोहल अपने कानों से निकाल देता है और वो कहता है कि हाँ तो फिर तो मेरे को अभी जल्दी से जल्दी सोबर होने की ज़रूरत है, अभी अभी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अभी करके दिखाता हूँ। और वो सारा का सारा धुएं के में अपना जितना भी अल्कोहल है सब बाहर कर देता है। और इधर जो जोगुल होता है कहता है कि छी कितनी गंदी बदबू इस अल्कोहल की। तो जो अंदर सोहान होता है अपने पिता से कहता है कि फादर मैंने सारे के सारे जितने भी मेंबर हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया है और उन सबको बता दिया है कि उनको क्या करना है, और जितने भी गेट्स हैं उन सबको मैंने बंद कर दिया है। तो जो वी होता है उसे कहता है कि बहुत अच्छे। तो सोहन उससे कहता है कि वुडंग सेक्टर वाले जितने भी डिसाइबल्स हैं वो यहाँ जल्दी आ जाएंगे, तो हमको क्या है जितने भी डिसाइबल्स हैं उनके साथ मिलकर लड़ना नहीं चाहिए? तो जो वी होता है मनी मन सोच रहा होता है कि हमको उनके साथ लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। और वो सोचता है कि अगर मैं सही में सोचूं तो ऐसा लगता है कि वुडंग सेक्टर वालों को जिन्होंने उंगली की है वो हम नहीं थे, बल्कि ये माउंट वा सेक्टर वाले जितने डिसाइबल थे यही थे उंगली करने वाले। और वो सोचता है कि अगर हम अपनी किस्मत को अपना लें तो फिर कोई भी यहाँ पे हानि नहीं होगी, किसी को भी नुकसान नहीं होगा, और हम लोग यहाँ पे बिना किसी नुकसान के नायंग को छोड़ के चले जाएंगे बिना किसी लड़ाई लड़े। और अगर हम लोग उन लोगों के साथ लड़ाई करते हैं तो हमारे कितने सारे मेंबर हैं उन लोगों को चोट पहुँचेगी और वो इंजर्ड भी हो सकते हैं। और वो शुआंग की तरफ देख के सोचता है कि शुआंग और मैं शायद हम दोनों डेफिनेटली यहाँ से बच के नहीं निकल पाएंगे। तो सेक्टर लीडर अपने बेटे शुआंग से कहता है कि तुमको क्या लगता है कि हमको अब क्या करना चाहिए? तो शुआंग ये सुनता है अपने पिता की तरफ देख के जोश के साथ कहता है कि बिल्कुल हमको उनके साथ लड़ना चाहिए, वो लोग हमारे गेस्ट है और हम लोग यहाँ पे ओनर्स हैं। तो हमको वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चुमिंग पी रहा होता है, शरीर से बदबू मारे जा रहा होता है, और यहाँ पे जोगुल कह रहा होता है ओ ये पागल कमीना पता नहीं क्या करता रहता है हमेशा, इतना शराब क्यों पीता है। और इधर देखो चुनबैग को भाई धुआं उड़ा रहा है उसका। और वो जो लड़का शुहान होता है उससे कहता है कि हम लोग बस यहाँ पे बैठ के ये नहीं देख सकते कि वो लोग हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस जगह की वजह से ही मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, और माउंट वा सेक्टर के लिए मैं उतना दूर सफ़र करके गया। वो जितने भी मोमेंट थे जब आप माउंट वा सेक्टर को सपोर्ट कर रहे थे, और वो मोमेंट जब आपको बहुत ज़्यादा प्राइड फील हो रहा था कि जब आपने सुना था कि माउंट वा सेक्टर वापस अपने पैरों पे खड़े होने वाला है और हम लोग उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो उस समय आपका जो चेहरा था उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे जो भी हुआ शेडो वा सेक्टर में उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसी के लिए मैं उनके साथ मिलकर लड़ूंगा। तो जो सेक्टर लीडर होता है उसे कहता है कि वो प्राइड मूवमेंट, क्योंकि हमारा सेक्टर माउंट वा सेक्टर का एक आउटर सेक्टर है, तुम सही हो। और शोहान उसे कहता है कि हाँ मानता हूँ कि हम लोग एक आउटर सेक्टर है मेन सेक्टर के, पर फिर भी हम लोग माउंट वा सेक्टर के ही तो डिसाइपल हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे साथ ही वहाँ पर फाइट कर रहे हैं और हम बैठ के बस उनको देखें। मैंने सेक्टर लीडर को देखा है और उनके बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने डिसाइबल्स को हमारे साथ भेज दिया, वो भी हमारे हेल्प के लिए। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ के हालात को संभालने की कोशिश की वो शायद गलत हो सकता है, पर उनके अंदर इस बात को लेके कोई भी दोराय नहीं है कि वो लोग हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए आए हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। मैं उन लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे लड़ने वाला हूँ, चाहे उससे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो इधर जो वी होता है वो मनी मन सोचता है कि ये अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, वो भी लड़ते हुए, मुझे खुद पे शर्म आ रही है। ये सब बस शब्द है जो कि मैं तुम्हें बताया करता था, पर जब ये जो मुश्किल घड़ी आती है तब मैं कांप जाता हूँ, पर तुम उस हर चीज़ को फॉलो करते हो जो भी मैंने तुम्हें सिखाई है, मुझे गर्व है मेरे बेटे तुम्हारे ऊपर। तो जो सेक्टर लीडर होता है वहाँ पे जो पेन यूंग होता है उसको कहता है कि जाओ जाके दरवाजे खोल दो। तो वो कहता है अरे सही में खोल दो दरवाजे। तो जो सेक्टर लीडर होता है उसे कहता है कि जाओ जाके जितने भी डिसेबल्स हैं उनको ये बता दो कि जो लोग लड़ना चाहते हैं वो यहाँ रुक सकते हैं, और जो लोग लड़ना नहीं चाहते वो लोग घर जा सकते हैं। और मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगा और कुछ भी नहीं कहूँगा कि अगर वो लोग सेक्टर को छोड़ के जाना चाहते हैं तो। और उसे कहता है कि अगर हमारा सेक्टर सर्वाइव कर गया तो मैं उन लोगों को वापस ले लूँगा बिना किसी कंडीशन के। तो उसका जो डिसाइपल होता है वो कहता है कि क्या आप कह रहे हैं, ऐसा कहूँगा तो वो लोग सब चले जाएंगे, जितने भी है कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ पे। तो सेक्टर लीडर कहता है कि नहीं मैं रुकूंगा और मेरे साथ सोहांग रुकेगा, और हम दोनों ही काफ़ी हैं, हम दोनों माउंट वा सेक्टर का नाम रखेंगे और यहाँ पे लड़ेंगे। तो जो सोहांग होता है वो अपने बाप को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरा बाप कितना बहादुर है। और उधर जो डिसाइपल होता है मनीमन सोचता है कि ये क्या कर रहे हैं, सही में ये मजाक तो नहीं कर रहा कोई। तो उनसे कहता है कि ठीक है फिर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, और ऐसे कह के वो वहाँ से बाहर चले जाता है। तो जो सेक्टर लीडर होता है उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ नहीं रुकने वाले? तो वो उससे कहता है कि
मैंने माउंट वॉच एक्टर का नाम नहीं रखना चाहता और मेरे पास उनसे जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है, पर मैं यहाँ पे शेडो हुआ सेक्टर के नाम को लूँगा और उसी के लेके लड़ूंगा। तो चिंग वहाँ पे बंड होकर पड़ा रहता है और वो कहता है कि ये वाइन तो सबसे बेस्ट है, और उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर वो कमीने यहाँ पे कितने बजे आने वाले हैं। तो जो चुनबैग होता है उसे कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा वो कब आएंगे। तो चुनबैग उनसे कहता है कि तो सब लोग सुनो, मैं तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं कहूँगा कि तुमने वहाँ पे उस टाइम जो भी किया, पर अभी की जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से ही अलग है। हमारे सेक्टर लीडर ने हमको ऐसा बताया है कि ये यहाँ पे जो भी होने वाला है वो बस एक जरिया है जिससे कि हम माउंट वॉच सेक्टर का पूरा नाम पूरी दुनिया में फैला सकते हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी रुकी हुई थी पहले की उन सबको फिर से चालू कर सकते हैं। आज की फ़ाइट सिर्फ हमारी फ़ाइट नहीं होगी, आप लोग इस बात को याद रखना कि हम लोग माउंट वॉच सेक्टर का नाम अपने पीछे लेके ही लड़ाई करेंगे आज, और इसको आप भली भांति अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और कहता है कि चुंगम्योंग, तो चुंगम्योंग कहता है कि हाँ हाँ मेरे को समझ में आ गया, बिल्कुल शांत रहो, मैं आराम कर रहा हूँ, आराम करने दो। तो उधर जो चुनबैग होता है उसे कहता है कि मैं तुमको ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, पर अगर तुम फाइट करने वाले हो तो पूरी तरीके से करना। हमारे जितने भी एनिमीज़ हैं वो बेशक ही बिना किसी रुकावट के, मतलब पूरी इंटेंशन से आएंगे हमको हराना है, तो इसके लिए हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लोग अपना सब कुछ उनके ऊपर डाल दें। तो चुंगम्योंग हनीमन सोचता है कि अच्छा तो ये कहना चाहता है। तो उससे कहता है कि तुमको ये नहीं लगता कि सेक्टर लीडर ने ऐसा बोला था कि उनके साथ बड़े अच्छे से पेश आना और उतना ज़्यादा कठोर मत होना उनके लिए। तो जो चुनबैग होता है उससे कहता है कि तुमने वहाँ पे ऐसा नहीं बोला था कि तुम चाहते हो कि उनका सर तुम अपने हाथों से कुचल के रख दो, मतलब अपने पैरों से कुचल के रख दो जो भी है। तो तुम सेक्टर लीडर से पहले तो तुम ही चाहते थे कि उनको पीटना है पेलना है जो भी तुम्हारा कहना था। तो इधर जो चुंगम्योंग होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ मैं तो चाहता हूँ, और मैं बहुत चाहता हूँ कि उनका सेक्टर मेरे सामने पूरा तहस नहस हो जाए, मेरे को बहुत खुशी होगी। तो वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, मतलब कि उनको बाहर निकाल दिया जा रहा होता है। तो हमको सुहान की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि वो सारे के सारे शेडो हुआ सेक्टर के डिसाइपल्स हैं। और इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ से जाना चाहते थे तो हमने उन लोगों को यहाँ से जाने दे रहे हैं, और जो गेट है हमने टेम्परेरीली खोल रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो यहाँ पे लड़के अपने आप को चोट नहीं पहुँचाना चाहते वो यहाँ रहे। और कहता है कि उनके जाने के बावजूद यहाँ पे कई ऐसे डिसाइपल हैं जो रुक गए। तो चुंगम्योंग वहाँ पे भंड पड़ा रहा होता है और वो कहता है कि ये बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें काफ़ी अच्छे लोग हैं। और मनीमन सोचता है कि इसी तरह के पहले माउंट वॉच सेक्टर में भी लोग हुआ करते थे। तो जो सेक्टर लीडर होता है उनसे कहता है कि मैं वो नहीं करना चाहता था जो कि मैंने बीच रात में किया था, क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और कहता है कि मैं ये आभार कैसे व्यक्त करूं कि माउंट वॉच सेक्टर उस समय हमारे पास आ गया जब हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बिल्कुल टाइम पे आए हैं, और जब लोगों ने हमसे आस छोड़ दी तो माउंट वॉच सेक्टर है जो कि हमारी मदद के लिए आया। और कहता है कि मुझे नहीं पता कि आज क्या होने वाला है, पर मैं शेडो हुआ सेक्टर का लीडर होने के नाते आप लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगा। तो जो चुनबैग होता है उनसे कहता है कि सेक्टर लीडर ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए था और जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और चुनबैग मनीमन सोचता है कि अब मैं देख पा रहा हूँ कि लोग जैसा कहते थे ये बिल्कुल वैसे ही हैं, जितने भी मैंने र्यूमर्स सुने थे वो सारे सच हैं, ये बिल्कुल ही एक महान योद्धा हैं। और मनीमन सोचता है कि अगर मैं इनकी जगह होता तो क्या इनकी तरह मैं भी इस प्रकार के जो डिसीजन है उसको ले पाता। तो चुंगम्योंग उनसे कहता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं सच में, क्योंकि आपने बिल्कुल 30 साल से अपनी लॉयल्टी बना के रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब लोग बदल गए पर तुम नहीं बदले, इसलिए मेरी रिस्पेक्ट है आपके लिए। तो इधर जोगुल और शायुंग बात कर रहे होते हैं, तो शायुंग उनसे कहता है कि इसको सुन के ऐसा नहीं लगता है कि ये बस पैसे की बात कर रहा है, क्योंकि 30 साल से इन लोगों ने हमको पैसे दिए हैं। तो जो जोगुल होता है वो शायुंग से कहता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मेरे को भी बिल्कुल सेम ही लग रहा था, ये इस तरीके की बात ही कर रहा है। तो चुंगम्योंग सेक्टर लीडर से कहता है कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस फाइट में इन्वॉल्व रहें। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है ऐसा क्यों। तो चुंगम्योंग कहता है कि ये एक्सप्लेन करूँगा बहुत कठिन है मेरे लिए इसको एक्सप्लेन करना, पर जब होगा जो भी होगा तुमको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे वो लोग आ गए होते हैं, तो चुंगम्योंग कहता है कि परफेक्ट वो लोग आ गए हैं, और वो लोग इस साइड से आ रखे हैं, मतलब उसकी राइट साइड या लेफ्ट साइड से आ रखे हैं वो लोग जो भी है, और वो लोग मतलब वहाँ से पीछे आ रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़ उनको पता चल जाती है कि हाँ ये लोग आ रहे हैं। भाई साहब ये वुडन सेक्टर वाले जितने भी आ रहे हैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बैड ऐसा समझते हैं, लेकिन मेरे को तो लग रहा है ये बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले हैं इस बार। तो जो ह्यून होता है उससे कहता है कि
जाओ उनको लेके आओ। और वहाँ पे उसके जितने भी जो साथ के डिसाइपल्स होते हैं उसके जूनियर्स, वो कहते हैं कि यस सीनियर ब्रदर, और ऐसा कह के वो लोग मतलब आगे की ओर कूद जाते हैं। बिल्कुल तीन बंदे जा रहे हैं उनके लिए और वहाँ पे बिल्कुल रेडी रहते हैं। यहाँ पे जो जोगुल और शायुंग वो दोनों पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं, और जो चुनबैक होता है उनसे कहता है कि तो वो लोग आ गए हैं, रेडी हो जाओ, वो तीन हैं हमारी तरफ सीधा बढ़ रहे हैं। और वो तीनों वहाँ से मतलब उसके ऊपर से कूद के आ रहे हैं भाई, दीवार कूद के आ रहे हैं वो लोग। और जो चुनबैक होता है वो वहीं से तुरंत ही गोली की रफ्तार से चुनबैक के पीछे आके खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो अपने हाथों में मतलब बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है भाई। इस बार वो थोड़ा ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गया है ना, वो थोड़ा ओवर पावर हो चुका है क्योंकि प्रैक्टिस भी तो की है उसने 2 साल। 2 साल में कितनी प्रैक्टिस की है किसको पता। अब वो बस अपने हाथ से एक मूव मारता है और उसमें इतना प्रेशर क्रिएट होता है और जो तीनों के तीनों होते हैं वो बिल्कुल छटक के जहाँ से आते हैं वहीं पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर जो चुनबैक होता है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हुआ। और वो मन ही मन सोचता है कि इन लोगों को पीटना तो इसकी मन ही इच्छा है, ये कमीना मॉन्स्टर कहीं का। भाई चिंगमुंग सही में एक मॉन्स्टर जैसा है इन लोगों के लिए। और चिंगमुंग वहाँ पे आके खड़ा होता है और कहता है कि क्या मेरे को पहले नहीं आना चाहिए था। और यहाँ पे जितने और तीन डिसाइपल गए होते हैं वो यहाँ पे आके गिरते हैं धप धप करके। और उनमें से एक कहता है कि वो क्या था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, हम किससे जाके टकराए। तो जो दूसरा डिसाइपल होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे हमको किसी बहुत बड़े हवा के झोंके ने दूर पटक के फेंका, वो क्या था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इधर जो ह्यून होता है वो मनी मन सोच रहा होता है कि ये यहाँ से तीन गए और इनको पता नहीं चला कि इनके ऊपर क्या अटैक किया, ये कैसे हो सकता है। और मनी मन सोचता है कि वहाँ पे या तो ये इस वजह से हुआ है कि वहाँ पे जो भी कोई है वो हमसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो उनसे कहता है कि चलो जो भी हुआ इसको भूलो, मेरे को लगता है कि वो लोग किसी तरीके का छोटा मोटा ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं हमको डराने के लिए। और वो अपनी तलवार बाहर निकालता है, उनसे कहता है कि अब मेरे पीछे आना तुम लोग, हमको नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके का वहाँ पे ट्रैप बिछाया है, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा। और कहता है कि चलो आगे बढ़ो, और ऐसा कह के वो आगे बढ़ता है। और उसके साथ जितने भी उसके डिसाइपल्स होते हैं वो सारे पीछे आ रहे होते हैं। और भाई साहब वो बिल्कुल एकदम से ना मतलब गोली की तरह, मतलब तोप का गोला नहीं होता उसकी तरह जाता है और जाके पूरा का पूरा जो दरवाज़ा है उसको फाड़ के अंदर जाता है। और वहाँ पे पहुँचता है और बोलता है कि ट्रैप कहाँ है, ट्रैप देख रहा होता है इधर उधर लेफ्ट राइट देख रहा होता है कि ट्रैप तो नहीं है यहाँ पे कहीं, उसको फंसाएगा। तो जो चिंगमुंग होता है उसे कहता है कि तुमने ये गेट क्यों तोड़ा, ये तो लॉक भी नहीं था, ये बहुत गलत बात है यार, तुम लोगों को किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं, मेरे को बहुत बहुत बुरा लगा, दिल से बुरा लगा। और वो कहता है कि आजकल के बच्चे भी ना इतने रूड हैं कि आगे पीछे देखते नहीं और अपनी मर्ज़ी कुछ भी कर देते हैं। तो जो इधर ह्यून होता है मनी मन सोचता है कि बस इतने से ही लोग, और उनसे कहता है कि तुम बस हमसे लड़ने के लिए इतने से ही लोग लेके आ रखे हो, तुमको पता है ना हम लोग वुडांग सेक्टर के डिसाइपल्स हैं, तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम हमको हरा दोगे, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि बिल्कुल एक अकड़ और घमंड जैसा हो गया है। तो जो जोगुल होता है उसकी बात करने के स्टाइल को सुन के वो कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है, ये जिस तरीके से बात कर रहा है ये कहीं पे सुना है, लगता है ना तुमको शायुंग। तो जो शायुंग उसका होता है वो कहता है कि हाँ मेरे को भी लग रहा है कि ये कहीं पे सुना है। तो उधर जो चुंगमिंग होता है वो जो चुनबैक होता है उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर वो बिल्कुल आपकी तरह बात कर रहा है, सही कहा ना, देखो देखो देखो। तो उधर जो चुनबैक होता है वो कहता है कि हाँ चुप रहो तुम। तो इधर चुंग कहता है यही चुप रहे क्यों, कैसे बोलते हो खुद से इस तरीके से बात करते हो, जब नहीं चलते हैं हमारा अभी यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। भाई साहब वो चुनबैक को चिढ़ाता रहता है भाई, मतलब कितना उंगली करेगा बेचारे को। तो इधर चुंगमिंग हंस रहा होता है कि मज़ा आ रहा है मेरे को, मज़ा आ रहा है। तो उधर जो ह्यून होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, और ये लोग इतने केयर फ्री क्यों हैं और इतने ज़्यादा रिलैक्स क्यों लग रहे हैं, क्या इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को देख के, इनको डर नहीं लग रहा है। तो उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का ये जो कॉन्फिडेंस है ये तुम्हारे अंदर कहाँ से आया, क्योंकि माउंट वा सेक्टर हमेशा हमारे नीचे रहा है और वुडांग सेक्टर हमेशा ऊपर रहा है, और तुमको क्या लगता है कि तुम हमें हरा दोगे वो भी इतने आसानी से। तो चुंगमिंग कहता है क्या कहा तुमने, कौन है तुमसे नीचे। और कहता है कि 100 साल पहले तुम लोग थे जो मेरे पैरों के नीचे कुचले गए थे, मतलब हम लोगों के पैरों के नीचे कुचले गए थे। तो इधर जो ह्यून होता है कहता है कि 100 साल पहले, हाँ याद आया तुम उसकी बात कर रहे हो ना, जब 100 साल पहले तुम्हारे यहाँ पे प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सुप्रीम हुआ करता था। जो भी है तुम उस इंसान के बारे में बात कर रहे हो जो कि वहाँ पे इतने बुरी तरीके से हारा था, वो भी हमारे ताइजी स्वॉर्ड एम्परर के हाथों वुडांग में, हाँ तुम उसकी बात कर रहे हो। अरे वो तो बहुत गंदा हारा था, उसको तो बहुत मारा था हमारे सेक्टर लीडर, मतलब उस टाइम जो हमारा स्वॉर्ड एम्परर था उसने। तो चुंगमिंग ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्या बोल रहा है तू, ये बकवास क्या कर रहा है। तो इधर जो ह्यून होता है वो हंसता है और उसको कहता है कि हाँ तुमको तो पता ही नहीं है कि उस दिन वहाँ पे हुआ क्या था।
उन दोनों की लड़ाई हुई थी हमारे स्वॉर्ड एम्परर और प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सुप्रीम के बीच में, और उन दोनों की फाइट में जो तुम्हारा स्वॉर्ड सुप्रीम था वो बुरी तरीके से हारा था। और कहता है कि हालांकि हमारे जो ताईजी स्वॉर्ड एम्परर थे उन्होंने इस बात को छुपाया ताकि पूरी दुनिया के सामने अपने अपोनेंट की बेइज्जती ना हो जाए। और इसका मतलब ये है कि माउंट वा सेक्टर की कभी इतनी औकात ही नहीं हुई कि वो वुडांग सेक्टर से जीत पाए। तो उधर जोगुल और शायुंग अपना जो तलवार है वो निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वॉर्ड सुप्रीम की इस तरीके से बेइज्जती करने की। और इधर जो शायुंग होता है उससे कहता है कि तुमने अपनी लिमिट अब क्रॉस कर दी है क्योंकि तुमने अपनी जगह भूल गई और तुमने हमारे स्वॉर्ड सुप्रीम के बारे में ऐसा बोला। और इधर जो चुनबैक होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है, उससे कहता है कि तुमको कोई हक नहीं है हमारे स्वॉर्ड सुप्रीम के बारे में कुछ भी कहने का। और इधर जो चुनमिंग होता है मनी मन सोच रहा होता है कि मैं ही हूँ प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सुप्रीम, शायद मेरे अलावा कोई था क्या उस टाइम, नहीं तो मैं ही था। और तुम लोग अभी जिसकी रिस्पेक्ट करने के लिए बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, बस मैं ही हूँ। और तुम लोग मेरे सामने तो ऐसे करते हो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए एक शैतान हूँ, पर अभी तो तुम मेरी ही बात कर रहे हो, मेरे सम्मान की बात कर रहे हो भाई साहब। और कहते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है कि किसने मेरे को हराया था, ताईजी स्वॉर्ड एम्परर, अच्छा वो बुढ़ा गधा जिसको देखने से ऐसा लगता था कि वो किसी भी टाइम मर जाएगा। हाँ मैं उससे लड़ा तो था एक बार, हालांकि वो काफ़ी स्ट्रांग तो था लेकिन प्राइवेट ड्यूल्स में ही लड़ता था और उसकी डिटेल्स वो ज़्यादा किसी को बोलता नहीं था। और उसको उस फाइट की याद आती है कि जब वो उसके सामने आया था तो वो जो बुढ़ा है ताईजी वो उसको कहता है कि अब तुमको मैं एक ताओवादी का असली पावर दिखाऊंगा और तुमको सही राह दिखाऊंगा और तुमको एक सबक भी सिखाऊंगा। और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इसको अपनी एक अच्छा लेसन समझोगे, ना कि कोई टॉर्चर समझोगे, और तुम लोग इससे एक अच्छी सीख ले पाओगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाओगे। और ऐसा कह के वो चुंगमिंग के साथ में आता है और चुंगमिंग भाई वहाँ भी दारू लेके खड़ा है भाई साहब, जहाँ देखो वहाँ दारू लेके खड़ा होता है। और फिर उसको याद आता है कि किस तरीके से उसने उस बुढ़े को मार मार के उसके मतलब खोपड़े के ऊपर आलू उगा दिए थे, तो वो बुढ़ा इतना पीट रखा होता है उसको कि बुढ़ा कहता है कि मैं मानता हूँ कि हाँ तुम्हारे अंदर मेरे से कहीं ज़्यादा स्किल्स है, और मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने अपने ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं गलती की है, और मैं अपने हार भी मानता हूँ, प्लीज़ अब मेरे को छोड़ दो। भाई साहब कितना बुरी तरीके से मारेगा बुढ़े को, तो छोड़ देता है। और भाई वो बुढ़ा मतलब खतरनाक डर गया होता है, नाक मुँह से खून निकल रहा होता है उसके, और वो कहता है कि वेट मैं सिर्फ इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ तुम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में, तो प्लीज़ मैं अब जब मैंने तुमको मान लिया है कि तुम ही जीत गए हो और अपनी जो गलती है और अपनी ये जो हार है उसको भी मैंने मान लिया है, तो प्लीज़ मेरे को ये मारना बंद करो। चुंगमिंग उसको ऐसे मार रहा होता है और वो कहता है कि तुमको इस तरीके से किसी को मारना नहीं चाहिए जब कोई बात कर रहा होता है, तो प्लीज़ मत मारो मेरे को। भाई साहब बुढ़े की क्या हालत कर रखी है यार, ये चुंगमिंग सही में निर्दयी है पूरा। तो वो बुढ़ा अपना सर उसके सामने रख देता है, उसके घुटने पे आ जाता है और उसको कहता है कि सर प्लीज़ मुझे इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। और चुंगमिंग मनी मन सोचता है कि अरे हाँ उस फाइट में तो मेरे को बड़ा मज़ा आया था और उसके बाद मैंने उससे बहुत सारे काम करवाए थे अपने, और वो बुढ़ा इतना डर गया था कि उसने मेरे लिए एक रेस्टोरेंट का पूरा ऊपर का टॉप फ्लोर बुक कर रखा था, और मेरे लिए उसने वहाँ की सबसे महंगी वाइन मंगाई थी। हाँ मेरे को याद आ गया उसके बारे में, वो मज़ा तो आया था बहुत उस दिन, हालांकि वो बुढ़ा था लेकिन उसने मेरे लिए काफ़ी अच्छा कुछ किया था और बहुत अच्छा सर्वेंट भी था वो मेरा, और काफ़ी काम भी आता था। तो मनी मन सोचता है कि जो भी है पर ये पूरी हिस्ट्री से इसको मिटाया क्यों गया, हालांकि वहाँ पे कोई ऐसा विटनेस नहीं था और कोई एविडेंस भी नहीं था, शायद इसीलिए वो कमीना बुढ़ा और ये लोग भी कम नहीं है वुडांग शहर वाले साले हरामी। तो चुंगमिंग उनसे कहता है कि तुमको क्या लगता है कि कोई 100 साल पुराना बुढ़ा आके तुम्हारी भी मदद करने वाला है, तुम सारे के सारे अब मेरे हाथों मरने वाले हो, समझ में आया तुमको, और तुम लोग जितने भी हो पूरा तुमको देख के मेरे को तुम पे दया भी आती है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। अरे हाँ तुम लोग बेवकूफ़ तो होगे ही क्योंकि तुम लोग वुडांग सेक्टर से जो हो। तो जो ह्यून होता है उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि वुडांग सेक्टर की तुम ऐसी बेइज्जती करो। तो चुंगमिंग होता है वो जोर से चिल्लाता है, उसको कहता है वी शुहांग। तो जो वी शुहांग होता है वो कहता है कि यस सर बताइए। तो जो चुंगमिंग होता है उससे कहता है कि मैंने तुमको जो बोला था तुमने वो कर दिया है ना। तो जो शुहांग होता है वो कहता है कि हाँ आपने जो भी र्यूमर फैलाने के लिए बोला था मैंने वो सुबह होने से पहले हर तरफ फैला दिया था पर। तो चुंगमिंग कहता है हाँ चलो ठीक है बहुत अच्छा काम किया तुमने। और ऐसा कहकर चुंगमिंग अपनी तलवार निकालता, भाई साहब उसके खाली तलवार निकालने से जो एयर का फोर्स वहाँ पे पैदा होता है उससे मतलब वो लोग पूरा कांप जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ इतना ज़्यादा फोर्स,
और उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है, वो कहता है कि क्या, और उसके पीछे जो वहाँ पे गेट होता है उसमें बहुत सारे कट्स लग जाते हैं और वो पूरी तरीके से टूट के नीचे गिर जाता है। भाई साहब मतलब कितनी पावर है यार, वो तो मतलब स्लैश मारा भी नहीं, सोचो इससे कोई गर्दन काट देगा किसी की वो। और वहाँ पर वो जब टूटता है ना दीवार के साथ साथ पूरा का पूरा जो गेट होता है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो यून होता है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि बहुत सारे लोग कैसे आ गए यहाँ पे और इनको किसने बुलाया। तो चुमुन कहता है कि हम लोग जब यहाँ पे कुछ खेलने ही वाले हैं तो हमको कुछ ऑडियंस की भी तो ज़रूरत होगी ना। तो उन लोगों से पूछता है कि सीनियर ब्रदर आप लोग कितने आदमियों को एक बार में संभाल सकते हैं। तो जो चाइम होता है वो कहता है कि मैं तो दो लोगों को संभाल सकता हूँ, और जोगुल कहता है मैं तीन लोगों को संभाल सकता हूँ। तो चुमुन कहता है अच्छा तो टोटल पाँच हो गए, सीनियर यू आप चार लोगों को संभाल लेना। और उसको कहता है कि जो चुनबैक है आप उस कमीने को संभाल लेना, ठीक है। तो जो चुनबैग होता है उसे कहता है कि और तुम्हारा क्या, तुम किसी को नहीं संभालोगे। तो चुनबैग कहता है कि मैं, तुम ऐसा चाहते हो कि मैं उनको मारूं। तो उधर जो चुनबैग होता है कहता है नहीं 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 रहन दो रहन दो रहन दो तुम रहन दो। तो चुमू ही करके हंसता रहता है, कहता जाओ 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 फाइट करो मैं देखूंगा तुम लोगों को। और कहता जाओ सारे के सारे, मैं तुमको यहाँ पे चेयर करेगा, मज़ा आएगा, जाओ सीनियर बैक सीनियर यू सीनियर ब्रदर्स जाओ अटैक करो उनके ऊपर और उनको दिखा दो हम लोग माउंट वासेक्टर से हैं और उनके साथ क्या करेंगे। तो इधर जो चुनबैक होता है वो कहता है कि लगता है कि जो टेबल है वो पूरी तरीके से उल्टा हो गया है, क्योंकि वुडन सेक्टर के डिसाइपल एक तरीके से ठीक है हमारे लिए कि हमारा रिजल्ट का जो टेस्ट करना है, मतलब हमने जो भी ट्रेनिंग किया उसका जो भी परिणाम है उसके लिए चलो ये लोग सही है, इनके ऊपर ही आजमाते हैं। तो जो चुनबैक होता है उनसे कहता है कि तो फिर चलो अब हमको दिखाते हैं कि माउंट वास सेक्टर के शॉट टेक्निक की ग्रेटनेस क्या है। और उनको कहता है कि चलो चार्ज, और ऐसा कह के वो लोग सीधा अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। भाई साहब चारों मतलब फुल स्पीड से अटैक करने के लिए जाते हैं उनके ऊपर। और इधर जो ह्यून होता है वो कहता है कि अटैक करो उनके ऊपर और दिखा दो और उनको सबक सिखा दो और उनको आज समझा दो कि वुडांग सेक्टर वाले कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। और वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो कहते हैं यस सर, और ऐसे कह के सीधा सब आगे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। भाई साहब मज़ा आने वाला है अब तो। और चुमिंग उनको देखता है और मनी मन सोचता है कि यहाँ पे जितने भी स्वॉर्ड्समैन हैं इन्होंने पिछले दो साल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की और अपनी जितने भी स्किल्स है उनको इम्प्रूव किया। तो जो जोगुल होता है मनी मन सोचता है कि हालांकि हमारे रैंक अलग अलग हैं पर मैंने जितनी भी ट्रेनिंग की माउंट वा सेक्टर के एक डिसाइपल होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक हेल में जी रहा था और मुझे इस बात का डाउट है कि मैं ये करने क्यों आया था। और वो चुमिंग की बात याद करता है कि चुमिंग कमीने ने उन लोगों को कितने ज़्यादा मतलब पुश किया है और कितना ज़्यादा परेशान किया है ताकि वो लोग अपनी लिमिट तक पहुंच पाए। और उसको याद आता है कि चुमिंग उनको कहता है कि तुमको मरना है क्या, अगर जब तक तुम लोग एग्जॉस्ट नहीं हो जाते मैं तब तक तुमको मारता रहूँगा, याद रखना। भाई साहब चुमिंग उनके लिए पूरा जल्लाद था, कितना ट्रेनिंग कराया वो गंदा तरीके से। और जो मनी मन सोचता है कि मैं किसी भी हार्ड ट्रेनिंग के साथ गुजर सकता हूँ जहाँ तक वो मुझे स्ट्रांग बनाए, अगर वो मुझे स्ट्रांग बना रही है तो मैं पक्का बहुत हद तक और अपनी जान लगा के उसमें ट्रेन करूँगा। और कहता है कि मेरी वो घमंडी सोच, जिस पल माउंट वा सेक्टर और साउथर्न एस सेक्टर का जो कॉन्फ्रेंस है वो ख़त्म हुआ उसके दो महीने बाद मानो कि मैं किसी हवा की तरह ख़त्म हो जाता। और कहता है कि मैं शायद उस दिन मर ही जाता पर किसी तरीके से ऐसा लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन था कि हमने अपना सब कुछ गंवा दिया और दोबारा से शुरुआत से शुरू किया, पर क्या उस ट्रेनिंग का कोई अंत था? क्या मेरे पास वो था जिसके लिए मैं ये कर रहा था? मैं कितना स्ट्रांग हो सकता था जबकि मैं मर भी सकता था, पर मैंने एक सही डिसीजन लिया था। मेरा शरीर जैसे जैसे थक जाता था मेरे दिमाग में वैसे वैसे काउंटलेस थॉट्स आते थे। जो भी है मैं किसी भी हाल में यहाँ से भाग नहीं सकता था। मैंने उन सबको सहा है और उस सारी ट्रेनिंग की प्रशिक्षण ली है जिससे कि मेरा शरीर और मेरा दिमाग और मेरे जितने भी स्किल्स हैं वो पढ़ सके, और वो जब तक बढ़ते रहेंगे तब तक मैं ट्रेनिंग करता रहूँगा। और पिछले दो साल में मैंने उनको बहुत ज़्यादा ही सुधार लिया है। और उसके सामने से जो उसका अपोनेंट आ रहा होता है उसको देख के वो मनी मन सोच रहा होता है कि मैं देख सकता हूँ, मैं अपने सामने जो भी अपोनेंट है उसको आते हुए देख सकता हूँ, उसकी सारी स्किल्स देख सकता हूँ। उसने जिस तरीके से अपनी तलवार को पकड़ा हुआ है और जिस तरफ वो देख रहा है और उसके बॉडी का जो बैलेंस है वो किस तरफ है, और मैं उसके शरीर की हर एक कमियां निकाल सकता हूं जिससे कि मैं उसको हरा सकूं, और मैं ये कर सकता हूं। वो मेरे खिलाफ कोई भी मैच नहीं बनता। और ऐसा कह के जो शायुंग होता है वो बिल्कुल तलवार अपना मार देता है उसमें। और उधर मनी मन सोचता है कि जो वुडांग सेक्टर के जो शॉट टेक्निक है वो काउंटर अटैक के ऊपर बेस्ड होती है,
और वो कहता है कि जब तक उनके अपोनेंट की तलवार उनकी तलवार को टच नहीं करती तब तक वो जल्दी नहीं करते हैं और अपना मूव नहीं चलते हैं। जब उनके जो अपोनेंट है उसकी तलवार उनसे टच कर जाती है तो उसी की स्ट्रेंथ को वो उसके खिलाफ यूज़ करते हैं और यही इनकी स्वॉट टेक्निक का एडवांटेज है। और वुडान सेक्टर ने इस टेक्निक का यूज़ पूरी दुनिया के खिलाफ ऊपर चढ़ने में और पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर बनने में किया है। तो फिर इनकी जो ये फाइटिंग स्टाइल है इसके साथ हम लोग डील कैसे करें? आपको बस इनसे ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा और ऐसा कह के जो वहाँ पर शायुंग होता है वो उनको पूरी तरीके से हरा देता है। और वो मन ही मन सोचता है कि अगर आप पानी को आग के अंदर डालते हैं तो पानी वेपराइज हो जाता है, अगर आग बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो उधर जो वहाँ का जो डिसाइपल होता है वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। उधर शायुंग खड़ा होता है और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। और ऐसा कह के जो शायुंग है वो बिल्कुल अपनी फुल स्पीड में जाता है और यहाँ पे जो जोगुल होता है वो भी अपनी पूरी स्पीड में जाता है और कहते हैं कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही स्लो है। और उसके बाद वो दोनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मतलब इधर से जोगुल और उधर से शायुंग दोनों अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि हम बस इनसे फास्ट होके इनको हरा सकते हैं और हम जीतेंगे। तो जो वुडांग सेक्टर के जो लौंडे होते हैं वो मतलब इतना उनके जो वार होता है उनके ऊपर लग जाता है और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और उनका मतलब खून निकल रहा होता है। और इधर जो शायुंग होता है वो कहता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही स्लो हो। और इधर जो वुडांग सेक्टर का जो लड़का होता है वो कहता है कि माउंट वा सेक्टर के डिसाइपल से हम कैसे हार सकते हैं, ये नहीं हो सकता। और ऐसा कहकर वो लोग नीचे गिर जाते हैं, भाई साहब उनको काट के रख दिया इन लोगों ने। तो जो शायुंग होता है उसे कहता है कि तुम्हारी जो शॉट टेक्निक है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी है, पर डिफरेंस वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग की है और हमारी ट्रेनिंग तुमसे कई गुना ज़्यादा बड़ी है। और हमको दिखाया जाता है कि वो जो वुडांग सेक्टर का होता है वहाँ पूरा बेहोश पड़ा होता है। तो इधर जो शायुंग और जोगुल होते हैं काफ़ी खुश होते हैं उन दोनों को हराने के बाद, और मन ही मन सोच रहा होता है कि हम लोग पहले के मुकाबले अब कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। लेकिन जो चिंगमिंग होता है वो भाई साहब चिंगमिंग वो पीछे से कहता है कि सीनियर ब्रदर जोगुल तुमने 3 मिस्टेक की और सीनियर ब्रदर युंग जोंग तुमने तो 4 मिस्टेक की है। तुम दोनों कह दिया कहीं पे मरे पड़े रहते, तुमको तो लोग काट के रख देते अगर तुम लोग उनसे ज़्यादा फास्ट नहीं होते तो। और इधर जो शायुंग होता है उसको देख के मन में सोच रहा होता है कि यार अभी हम लोगों की फिर से खिंचाई करने वाला है, फिर से हमको डांटेगा पक्का। पर जो भी हो हमारे माउंट वा सेक्टर की जो शॉट टेक्निक है इनके साथ फाइट करने के बाद हमको पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और उधर जो चुनबैक होता है वो ह्यून के साथ लड़ाई कर रहा होता है, तो जो ह्यून होता है वो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या कितना ताकत कैसे है इसके अंदर भी। और इधर जो शायुंग होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि इन लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि माउंट वा सेक्टर की जो शॉट टेक्निक है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और अब यह टाइम आ गया है कि पूरी दुनिया इसके बारे में जाने। और यहाँ पे जो ह्यून होता है और चुनबैक होता है वो दोनों बड़ा खतरनाक लड़ाई कर रहे होते हैं। और इधर जो सेक्टर लीडर होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि बाप रे कितनी इनक्रेडिबल पावर है इसके अंदर, वो लोग अपने जो अपोनेंट है उसको कितने आराम से हरा दे रहे हैं। मानता हूँ कि उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, उन्होंने कई सालों तक ट्रेनिंग किया होगा। ये लोग वुडांग सेक्टर जिसको जियांगयू का लीडर भी कहा जाता है उसको पूरी तरीके से ओवर पावर कर दे रहे हैं। तो इधर जो श्वान होता है कहता है कि फादर देखो कितने खतरनाक फाइट कर रहे हैं ये लोग। तो जो उधर सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि हाँ सुहान वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और वो अपना दिल पकड़ लेता है और मन ही मन सोचता है कि अभी जो मुझे महसूस हो रहा है वो कोई दर्द नहीं है, वो इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि अब मैं इनके साथ जुड़ चुका हूँ। माउंट वा सेक्टर अब पूरी तरीके से बदल चुका है और उनके जो डिसाइपल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुके हैं। तो चुंगमिंग वैसा बेवड़ा होता है और वो सेक्टर लीडर से पूछता है कि क्या आप थोड़ा सा लेना चाहेंगे। तो इसको देख के जो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है कि और ये कमीना बास्टर्ड, इसको तो मैं भूल ही गया था, इतिहास में इसके जैसा शायद कोई ही होगा। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो चुंगमिंग से कहता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर शराब पीना चाहते हो जबकि तुम्हारे जितने भी सीनियर्स हैं वो लोग वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो चुंगमिंग कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, हम लोग बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं और अगर वो लोग ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं हरा पाए तो फिर उन लोगों को तो मैं बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। और वो मन ही मन सोचता है कि मैं ही तो हूँ जिन्होंने इनको ट्रेन किया है। और उधर देख रहा होता है चुंगबैक की तरफ कि चुंगबैक और जो ह्यून है वो किस तरीके से फाइट कर रहे हैं। और जो ह्यून होता है वो चुंगबैक को देख के मन ही मन सोचता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। तो जो चुनबैक होता है उससे कहता है कि तो फिर करो ना। तो इधर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है ह्यून, वो कहता है कि क्या कहना क्या चाहते हो तुम। तो जो चुनबैक होता है उससे कहता है कि तुमको देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी भी एंगल से अपनी प्राइड के बारे में सोचते होगे, तो तुम कर दो जो करने तुम आए हो। तो इधर जो ह्यून होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसको,
और उसके जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उनको कहता है कि जाओ जाके अपने सीनियर्स की मदद करो। और वहाँ पे जितने कहते हैं ठीक है सर हम जा रहे हैं, और वो कहता है कि पीछे खड़े मत रहो, तुमको बोला ना जाओ उनकी हेल्प करो अभी के अभी, और ऐसे करके उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है। और वहाँ पे जितने भी उसके जूनियर्स होते हैं वो सीधा भाग भाग के जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और इधर जो चुनबैक है उसको घेर लेते हैं, उधर जो जोगुल और शायुंग है मतलब उन दोनों को पूरी तरीके से घेर लेते हैं वो लोग चारों तरफ से, और उधर जो यू होती है उसको भी घेर लेते हैं वो लोग। तो जो चुनबैक होता है उससे कहता है कि हाँ यही तो मैं देखना चाहता था कि तुम ऐसा करते हो कि नहीं करते हो। वुडांग सेक्टर के लोग अपने गैंग का यूज़ करने वाले हैं, और वो भी एक नहीं तीन चार गैंग बना के आएंगे, और माउंट वॉस सेक्टर के जो डिसाइपल है उनको हराओगे तुम इस तरीके से। तो उधर जो यून होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि डैम ये कितना शर्मनाक है, अगर हम एक फाइट के बीच में नहीं होते तो मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था, और उसके लिए शायद मैं हार भी जाता। तो जो ह्यून होता है वो मतलब अपने आप को शांत करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा सराहना करता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। पर तो वो पूछता है कि तो ये जो चुंगमुंग है ये क्यों नहीं लड़ रहा है, क्या ये हम लोगों को वुडांग सेक्टर वालों को नीचा दिखाना चाहता है। और चुंगमुंग वहाँ पे दारू पी रहा होता है, कहता है कि अरे ये ख़त्म हो गया ये बोतल ख़त्म हो गई। तो जो चुनबैक होता है उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने थोड़ी गलती कर दी है उसको समझने में, क्योंकि तुम लोग इतने स्किलफुल नहीं हो कि तुम उसके साथ फाइट कर पाओ। और ये नेचुरल सी बात है कि एक इंसान सिर्फ अपनी तलवार तभी उठाता है जब उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ जो लड़ने वाला उसका जो अपोनेंट है वो उसके लड़ने के लिए वर्दी है या नहीं। तो इधर जो ह्यून होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसको, वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कि वर्दी होता है कि नहीं होता है, तुम कहना क्या चाहते हो। तो जो चुनबैक होता है उसे कहता है कि देखो गुस्सा मत करो, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, मैं भी उसके साथ लड़ने के लिए उतना स्किल्ड नहीं हूँ अभी तक। और इस पूरी दुनिया में इस तरीके की विचित्र चीज़ें तो होती रहती हैं, जैसे कि एक तीन पैरों वाली मुर्गी और एक दो पूछों वाला सांप। और उसे कहता है कि एक दिन तुम एक ऐसा मॉन्स्टर देखोगे जिसके तीन सर हैं और छः हाथ हैं। तो इधर जो ह्यून होता है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, कह रहा है कि क्या मतलब कि तीन सर और छः हाथ, मतलब वो एक मॉन्स्टर समझ रहा होता है चुंगमुंग को पूरी तरीके से। तो जो चुनबैक होता है उसे कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ आफ्टर ऑल। क्या तुम्हारे लिए इतना सूटेबल नहीं है कि तुम जो न्याय की तलवार है उसके साथ लड़ रहे हो, जो कि अनक्राइजिंग स्वॉर्ड है वुडांग शहर का। और ये बहुत छोटी सी बात है कि हम लोग माउंट वॉस सेक्टर के डिवाइन ड्रैगन को इसके बीच में इन्वॉल्व करें। तो जो ह्यून होता है उसको कहता है तुम कमीने, और ऐसा कहके वो बिल्कुल जो चुनबैक होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और मनी मन सोचता है कि मैं वुडांग शहर का स्वॉर्ड ड्रैगन हूँ जिन ह्यून, और ऐसा कहके वो उसकी तरफ अटैक करने जा रहा होता है। और इधर जो चुनबैक होता है उसको देख के मनी मन सोचता है कि मैंने इसका नाम कई बार सुना है और ऐसा सुना है कि ये आने वाले टाइम का एक लीडर होने वाला है, और अगर माउंट वॉस सेक्टर और साथ में एस सेक्टर के कॉन्फ्रेंस में जिम गिम रियोंग अगर उस दिन हारता नहीं तो शायद वो भी एक ना एक ड्रैगन का नाम रोशन करता और सिक्स ड्रैगन में से एक ड्रैगन बनता। और सोचता है कि लगता है ये और जिम गिम रियोंग दोनों ही एक ही लेवल के स्किलफुल स्वॉर्ड्समैन हैं। और जो इधर जो ह्यून होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो चुनबैक होता है वो पूरी तरीके से उसको मतलब डॉच क्या करता है वो उधर ही रहता है और अपना अटैक लैंड कर देता है ना उसके ऊपर। और जो चुनबैक होता है मनी मन सोचता है कि ह्यून का इसका जो शॉट टेक्निक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी को यूज़ करता है और एक वेव की तरह मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहा है। अब मुझे पता चल रहा है कि लोग इसका इतना नाम क्यों लेते हैं और ये इतना फेमस क्यों हुआ है, पर ये जो भी करे ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से खेल चुका हूँ। और ऐसा कह के जो चुनबैक होता है वो भी अपना अटैक करने लगता है, और ऐसा लगता है कि उसके अंदर से 6-7 लोग निकल रहे हैं और वो पूरे तरीके से एक इल्यूजन की तरह क्रिएट कर रहा होता है। और इधर जो ह्यून होता है उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे चुनबैक कहाँ से आ गए, और वो लोग मतलब उसके चारों तरफ मतलब इधर उधर भटक रहे होते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। और वो सब के सब उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि ये क्या है, क्या इतने सारे कहाँ से आ गए इसके अंदर, बिल्कुल ये तो एक था, 7-7, 8-8 कैसे हो गया ये। तो उसके ऊपर अटैक करने के बाद जो चुनबैक होता है वो कहता है कि 7 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड और उसके जितने बाकी जो क्लोन होते हैं और बाकी जो इल्यूजन होते हैं वो धीरे 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 वहाँ से गायब हो रहे होते हैं, और उसके ऊपर लगता है उसका स्वॉर्ड टेक्निक। और वो कहता है कि प्लम ब्लॉसम एग्जीक्यूशन, और मतलब 7 अलग अलग वार लगते हैं उसको 7 तरीके से। भाई साहब ये भी मतलब काफ़ी ज़बरदस्त शॉट टेक्निक है। और यहाँ पे जो ह्यून होता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, भाई साहब अटैक लैंड हो चुका होता है और हर तरफ मतलब जो प्लम ब्लॉसम होते हैं उसके फूल बिखरे हुए होते हैं और सब लोग बोलते हैं कि वाह प्लम ब्लॉसम के पेटल्स, वाह कितना सुंदर है ये देखने में। और जो चुंगमुंग होता है वो कहता है कि डैम देखो ना कितना ब्यूटीफुल है,
और देखो चुनबेक कितना ज़्यादा कूल लग रहा है इसको देखने में, और कहता है कि वो है हमारे माउंट वा सेक्टर की इंसाफ की तलवार। और चुनबेक उनसे कहता है कि सीनियर ब्रदर आप देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे थे, मज़ा आ गया। तो इधर जो शायुंग होता है कहता है कि अरे मेरे पास इतने सारे क्यों आ रखे हो, मैं यहाँ पे जितने भी लोग आए उनमें से सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। क्या तुम लोग सीनियर बैक के साथ नहीं लड़ना चाहोगे, जाओ ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरे से भी कई ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं तो सबसे कमज़ोर हूँ, मेरे साथ लड़ने क्यों आ रहे हो। और इधर भाई उसको घेर लिया होता है जो शायुंग होता है उसको, और वहाँ पे कहता है कि वो कौन है, और वो कहता है कि वो देखो वो वहाँ खड़ी है, जाओ ना उनके पास जाओ, तुमको क्या वो दिखाई नहीं दे रही। तो उनके कहते कहते ही जो उधर से वो जो लड़की होती है यू, वो उनके ऊपर अटैक कर देती है, और वो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कोई ओपनिंग ही नहीं दे रही है लड़ने के लिए। उनको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मतलब कितने खतरनाक फाइटर है यार, बहुत खतरनाक है, लड़की होने के बावजूद इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। और उसकी जो शॉट टेक्निक होती है वो इस तरीके से करती है, उसको वो समझ में नहीं आ रहा होता, वो कहता है कि इसकी शॉट टेक्निक तो ऐसे लग रही है जैसे कि कोई एक डांस कर रही होगी लड़की। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है तो जो यून होती है उसके नीचे से उसके ऊपर अटैक कर देती है, भाई साहब खतरनाक है यून भी, और उन दोनों को पूरी तरीके से हरा देती है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बाकी डिसाइपल्स, वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक देख के मतलब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो जो चुनबेक होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मतलब जो बचे हुए डिसाइपल्स हैं उनसे कहता है कि क्या तुम आगे कंटिन्यू करना चाहोगे, अगर तुम लोग कोशिश भी करते हो तो शायद तुम्हारे पास थोड़े बहुत चांसेस हो कि तुम लोग जीत जाओ। और कहता है कि जितने लोगों को यहाँ पे चोट लगी है अगर उनका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं हुआ, और अगर उनका अगर देखभाल नहीं किया और सही टाइम पे तुम उनको लेके नहीं गए, तो उनके लिए शायद फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। और उनसे कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि तुम लोगों के लिए ये करना अच्छा होगा, और इम्पोर्टेंट तो यही होगा कि तुम्हारे जितने फ्यूचर के तुम्हारे जितने भी मेम्बर्स हैं और तुम्हारे साथी हैं इन लोगों को तुम लेके जाओ और उनकी जान बचाओ, हालाँकि हमारी तो फाइट कभी भी होती रहेगी। और उसको कहता है कि तो तुम लोग अपने जितने भी सीनियर और सीनियर ब्रदर्स हैं उन लोगों को नायंग शहर में ले जाओ और आज रात को ही उनकी ट्रीटमेंट करवा लो, और इस बार के राउंड में हम लोग जीत चुके हैं। तो बाकी जितने भी डिसाइबल्स होते हैं वो दौड़ के जाते हैं, और जितने भी मतलब उनके घायल जो साथी होते हैं उनको कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आइए आप मेरे कंधे पे आइए, और मतलब उनको ले लेके मतलब कंधे में उठा के लेके जा रहे होते हैं वो लोग, मतलब कि वो लोग तो घायल हो चुके हैं ना, बहुत खतरनाक पीटा है उनको। तो जो बाकी डिसाइबल्स होते हैं वो चुनबेक के साइड से जा रहे हुए होते हैं और उनसे कहते हैं कि हम माउंट वा सेक्टर के बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि माउंट वा सेक्टर वालों ने हमको यहाँ से इन लोगों को सुरक्षित ले जाने दिया, हम माउंट वा सेक्टर की आज की जो ये उपहार हमको दिया है मतलब कि जो भी एहसान हम पे किया है इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो जो चुनबेक होता है उसे कहता है कि माउंट वा सेक्टर के साथ दोबारा भिड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अपने सीनियर ब्रदर्स के साथ लड़े हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है, और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम इस तरीके की शर्मनाक काम दोबारा नहीं करोगे और अपने सीनियर्स है उनका नाम खराब नहीं करोगे, और हम लोगों को यहाँ पे तुम लोग दोबारा कभी मत दिख जाना। और जब ये वुडांग सेक्टर के जितने भी डिसाइबल्स हैं ये बाहर जा रहे होते हैं तो वहाँ के जितने भी गांव वाले होते हैं वो कहते हैं कि ये सच्ची बात है कि माउंट वा सेक्टर अब पूरी तरीके से रिफॉर्म हो चुका है और रिकवर कर चुका है, और उसकी पावर्स भी दोबारा उनके पास वापस आ चुकी है। हम देख ही सकते हैं कि माउंट वा सेक्टर किस तरीके से अपने शैडो हुआ सेक्टर की देखभाल करता है और उसकी रक्षा करने के लिए वुडांग सेक्टर से लड़ गया है। अगर माउंट वा सेक्टर अपने छोटे से आउटर सेक्टर के लिए इतना कुछ कर सकता है तो इनका आउटर सेक्टर होना बहुत ही सम्मान की बात है। और चुनबेक अपनी तलवार रख के वहाँ पे चुंग लोगों के पास वापस जा रहा होता है और सेक्टर लीडर से कहता है कि माउंट वा सेक्टर ने शैडो हुआ सेक्टर को प्रोटेक्ट किया है, आप लोग अब सुरक्षित हैं। तो इधर जो सेक्टर लीडर होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उससे कहता है कि शैडो हुआ सेक्टर माउंट वा सेक्टर का हमेशा आभारी रहेगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो चुनबेक लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमने बस वही किया जो हमको करना चाहिए था और इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं थी। और इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो बड़ी आंसू बहा रहा होता है, भाई साहब बहुत ज़्यादा इमोशनल है यार ये। और चुमुंग तो चुमुंग है, वो बैठा होता है कहता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग बात कर दी इन लोगों ने। और फिर हमको दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे खड़े हैं और यहीं पे जो एपिसोड है ये ख़त्म हो जाता है। भाई साहब आगे के एपिसोड में देखते हैं क्या होने वाला है, वुडांग वाले अपना बदला लेने आते हैं या इन लोगों का किसी और सेक्टर के साथ फाइट होगा, देखेंगे क्या होता है। तो मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।